दोस्तों, क्या आपको ड्राइंग करना पसंद है? तो जल्दी से हमारे हीरो से मिलिए, जो आज की चुनौती, जो सबसे अच्छा ड्राइंग करेगा वो पुरस्कार पाएगा, मैं शामिल होंगे। अपना पुरस्कार देखने के लिए तैयार हो? बहुत खूब, यह पैसे का एक पूरा सूटकेस है। हाँ, शुरू करो। यह सूटकेस मेरा होगा। इतनी जल्दी नहीं, मुझे पता है कि एक सटीक कॉपी कैसे बनाई जाती है। मैं एक असली नोट से कॉपी करूंगी। तुम आज बहुत पीछे हो, मैं पैसे ड्रॉ करने में सबसे अच्छा हूँ। यहाँ कुछ मिसिंग है। बिल्कुल आइडिया। इथन, तुम फिर से क्या कर रहे हो? वाह, यह तो तुम्हारे नोट है। जूलिया पहले से ही सपना देख रही कि वो पैसे कहाँ खर्च करेगी। मेरे पैसे यहाँ है। अरे चोर, आउच। जूलिया, तुम्हें पता है ना, जो सबसे अच्छा ड्रॉ करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। समय समाप्त हो गया है। इतनी जल्दी? मैं तैयार हूँ। यह क्या है, मेरा कुत्ता भी अपने बाएं पंजे से बेहतर ड्राइंग करेगा। फिर तुम अपने कुत्ते से ड्राइंग करा लो। इथन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे जैक ने इसकी सराहना नहीं की। मेरी ड्राइंग को देखो। अरे हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था। हुर्रे, मैं जीत गई। ये लो अपना पुरस्कार। वाह, मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। शायद तुम हमारे लिए भी कुछ खरीद लो, मैं सोचूंगी। विवियन अमीर हो गई है। पैसा किसे चाहिए? मुझे। हुर्रे, ये सब मेरा है। मैंने आपके लिए कुछ खास तैयार किया है। इस पॉपिट को कौन जीतना चाहता है? ये पुरस्कार के लिए बहुत छोटा है। ठीक है, और आप ऐसा पॉपिट पसंद करेंगे? ओह, ये बहुत बड़ा है, मैं इसे खेलना चाहती हूँ। इसे पहले जीतना होगा। हाँ, तब देखेंगे। तुम्हें यह शरारत कैसी लगी? पेंट कहाँ से आया? पीटर, तुम वापस से बकवास मजाक कर रहे हो। यह लो, ये तुम्हारे लिए है। इसे रोकना होगा। यहाँ घड़ी आ गई है, शुरू हो जाओ। मुझे जीतना होगा। कहाँ से शुरू करूँ? बिल्कुल, पीटर ने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया है। एक वास्तविक पॉपिट निकला। धन्यवाद मत करो, वैसे भी मैं ही जीतूंगा। अपनी सभी उंगलियों से चित्र बनाना बहुत तेज और अधिक सुविधाजनक है। मुझे कुछ करना होगा। आइडिया, मुझे तुम्हारा बेलन चुराने दो। मैं इसे वापस कर दूंगी। देखो मेरे पास क्या है, मिनी बेलन। पीटर, कृपया मेरी मदद करो। ये बंद करो, मेरा हाथ छोड़ो। ये लो, मैं पहले ही रंग ले चुकी हूँ। ये मुझे सबसे अच्छा पॉपिट देगा। ओह, ये क्या हो गया? ओह, ये कागज ही फट गई। बढ़िया ड्राइंग, बहुत खूब। समय समाप्त हो गया है। दोस्तों, अपना काम दिखाओ। तुम्हें मेरी ड्राइंग की तुलना में बेहतर पॉपिट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मिल जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की। तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? एमा, ये भयानक है। छी, इसे हटाओ। इतना भी बुरा नहीं है। मैं अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब, ये सबसे अच्छा काम है। पीटर, तुम जीत गए। हुर्रे, मुझे पॉपिट पसंद है। ये लो। हुर्रे, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। ये बहुत अच्छा है। पीटर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? शांत, मैं इसे संभाल सकती हूँ। पीटर, उठो, होश में आओ। रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। पीटर के उठने से पहले लड़कियाँ भरी हो जाएंगी। चलो पॉपिट ले लेते हैं। ये वापस दो, तुम क्या कर रही हो? ये मेरा पॉपिट है। अब नहीं है। दोस्तों सावधान। विशाल बर्गर किसने ऑर्डर किया है? ओह, क्या खुशबू है, मुझे ये चाहिए। सबसे पहले इसे ड्रॉ करो। लेकिन किसके साथ? रुको दोस्तों, मुझे आशा है कि आप रंगीन पेंसिल के विशाल सेट का आनंद लेंगे। वाह, कितने रंग, और वे बहुत चमकदार हैं। जूलिया, अपना खोलो। वाह, यह सबसे अच्छा सेट है। क्या हर कोई तैयार है? तो चलो शुरू करते हैं। अगर तुम्हें यह बर्गर चाहिए तो तुम्हें बहुत कोशिश करनी होगी। मेरा पेट तो पहले से ही गुड़गुड़ा रहा है, मुझे यह चाहिए। वाह, जूलिया बहुत अच्छा कर रही है। इसका स्वाद कैसा होगा? तुम क्यों जम गई हो? खैर ठीक है, मेरे पास कम प्रतियोगी होंगे। अगर मैं दो हाथों से पेंसिल लेता हूँ तो ये बहुत तेज हो जाएगा। वाह, पीटर पेंसिल से चित्रकारी करने में माहिर है। ये एक मास्टरपीस होगी और अंत में मैं जीतूंगा। वाह, ये एक बर्गर है, बिल्कुल असली की तरह। एमा, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। जूलिया, अपना मुंह बंद करो। हैमबर्गर के बारे में सपना देखना बंद करो, तो तुम्हारा चित्र पूरा ही खराब हो जाएगा। नहीं तो
अहमद देखो, हाँ मुझे इस तरह मत डराओ। पीटर ये मजाक नहीं है, मेरे ड्राइंग क्या हो गया इसको, ये अच्छा नहीं है। अब तुम निश्चित रूप से नहीं जीतोगी। मैं सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगी। वाह कितना सुंदर, पीटर का ड्राइंग बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। तुम्हें बर्गर कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये मेरा सबसे अच्छा काम है। अरे नहीं, मेरी ड्राइंग। समय समाप्त हो गया है, रुको। माफ करना, मेरी ड्राइंग थोड़ी गीली हो गई है। यह भयानक है। तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? और भी बदतर। मैं कभी नहीं जीतूंगी। यहाँ विजेता की ड्राइंग है। हाँ तुम सही हो, यह सबसे अच्छा काम है। मैं अपने पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह लो, तुम इसके लायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, यह बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, दूर रहो, मैं इसे खुद खाऊंगा। वाह कितना स्वादिष्ट, मुझे चीज और हर्ब्स के साथ रसदार कटलेट पसंद है। वाह पीटर को बहुत भूख लगी थी, मैं भी खाना चाहती हूँ। मैं भी। वाह इसे कहते हैं स्पीड। वाह यह सबसे चमकीले रंगों का एक नया सेट है, हमारे दोस्त भाग्यशाली है। ये रहा तुम्हारा पुरस्कार, यह सुपर चॉकलेटी मीठा फव्वारा है, तुम में से किसी एक को ही यह मिलेगा। वाह तैयार, फिर चलो शुरू करते हैं, मुझे जीतना है। कितना सुंदर रंग है, लेकिन भूरा नहीं है, ये सही नहीं है। ओ पीटर मेरे साथ शेयर करेगा, मेरे पेंट से हाथ हटाओ। ठीक है मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मैं अपना खुद का पेंट लूंगी। हो गया, अब मेरा चॉकलेट फाउंटेन असली से बेहतर होगा। वाह काम कर रहा है। यह चॉकलेट की तरह महक रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। जूलिया तुम अपना सारा रंग पी जाओगी और बाकी लोग जीत जाएंगे, वे लगभग खत्म कर चुके हैं। क्या सारी चॉकलेट कहाँ है, मुझे और पीना है। ओ अभी भी थोड़ा बाकी है। हुर्रे मैं ड्राइंग खत्म कर सकती हूँ। अरे नहीं हो रहा है, बहुत कम है। वाह पीटर बहुत अच्छा कर रहा है, बस कुछ फाइनल टच बाकी है और बस मेरा चॉकलेट फाउंटेन खत्म हो गया। मैं पहले से ही चख सकता हूँ इसे, बहुत गर्म और चॉकलेटी और मीठा है, मैं इसे हमेशा के लिए पी सकता हूँ। पीटर तुम फिर कहाँ उड़ रहे हो? वाह ये कितना अच्छा है, मुझसे बेहतर आइडिया। पीटर क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा सा ट्रिम कर दूँ तो? और एमा जीतने के लिए दृढ़ है, कुछ भी हो जाए मुझे तो जीतना ही है। अब मेरी ड्राइंग पीटर से बेहतर होगी, एक असली चॉकलेट फाउंटेन। अंतिम सेकेंड, रुको समय समाप्त हो गया है, हम तैयार हैं। माफ करना मेरी पेंट खत्म हो गई थी, पता चल रहा है ये एक खराब ड्राइंग है। तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? रंग थोड़ा अलग है, यह बेहतर हो सकता था, हमेशा ऐसा ही होता है, किसी ने मेरा काम बर्बाद कर दिया, लेकिन वो अभी भी सबसे अच्छी है। सच्ची? हुर्रे चॉकलेट फवारा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं। अरे नहीं तुमने क्या किया, वो इसी लायक है। पीटर क्या तुम ठीक हो? नहीं बेचारा चॉकलेट फवारा। तो बने रहे लड़कियों, देखो जो कोई सबसे ज्यादा कोशिश करेगा और सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे ये सबसे खूबसूरत ताज मिलेगा। वह वैसे रानी की है। आपके पास ड्रॉ करने के लिए केवल एक मिनट है और आपका समय अब शुरू होता है। मुझे लगता है कि मैं इस ताज में बहुत सुंदर लगूंगी, मांगे पत्थर मुझे सूट करते हैं। इसके अलावा मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैंने अपना पूरा बचपन आर्ट स्कूल में बिताया है। ये बुरा नहीं निकला लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है, कीमती पत्थर जोड़ने की जरूरत है, मैं अभी आती हूँ। ये ठीक वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए, एक बहुत बड़ा सोने का पत्थर। अच्छी बात है कि मैं माइनक्राफ्ट खेलती हूँ, मेरी गेमिंग स्किल्स यहाँ काम आए। और अंदर कितने कीमती पत्थर हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा चमक चाहिए। और उनके बारे में क्या, जिन्हें ड्रॉ करना नहीं आता लेकिन उन्हें भी ताज चाहिए? नहीं ये अच्छा नहीं है, मेरी ड्राइंग बस भयानक है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा बैकअप प्लान है।
अगर ये रानी का ताज है तो ये एक से अधिक बार चोरी हो चुका है, मैं क्यों ना चोरी कर लूं। खड़े हो जाओ पुलिस, यहाँ यहाँ है ये, वो ताज चुराने की कोशिश कर रही है, बहुत कीमती है। अच्छा अपना मास्क उतारो कमीने। ये सिर्फ मैं हूँ, मेरे ऊपर चिल्लाना मत प्लीज। हम चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि हम तुम्हें हथकड़ी में बांध दें, ये इस तरह सुरक्षित रहेगा। ओ नहीं, अब मैं निश्चित रूप से नहीं जीत सकती हूँ। मैं अभी कल्पना कर सकती हूँ जब मुझे जैक ताज पहनाएगा और हम साथ में नाचेंगे और हम सच्चे प्यार में हैं। जैक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये ताज मुझे पहनाओ। मैं आ गई। जब तक एमा सपना देख रही थी और विवियन चोरी कर रही थी, मैं असली काम में लगी हुई थी। मैं इन पत्थरों का खनन कर रही थी। लड़कियों समय समाप्त हो गया है, अपने ड्राइंग्स दिखाओ। देखो तुम्हें ये पसंद आएगा, मैंने बहुत लंबे समय तक कोशिश की खनन किए पत्थर। एमा मुझे क्यों नहीं सुन सकती, अरे ड्राइंग दिखा। ओ माफ करना, मैं अपने सपनों में खो गई थी। तुम ड्रॉ कर रही थी, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, विवियन जेल जाने वाली थी इसलिए वो प्रतियोगिता से निकल गई है। और बाकी लोगों ने क्या बनाया है? वाह एमा मैं खुश नहीं हूँ, मैंने पहले कभी ऐसी ड्राइंग नहीं देखी, ये ताज की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा लगा। वाह जूलिया का ड्राइंग मस्त है, ये ओरिजिनल की तरह दिख रहा है। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि जूलिया आज की विजेता है। अरे मैं जानती थी, मुझे मेरा ताज दो। मैंने इतने लंबे समय तक पिक के साथ माइनिंग किया, मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी शानदार हूँ। वाह यह इतनी खूबसूरती से चमकता है। यह बड़ा गुब्बारा कौन चाहता है? मैं। फिर ड्राइंग शुरू करो क्योंकि आपका समय शुरू हो चुका है। इस बार फेंट टिप पेन से ड्रॉ करना जरूरी है, लेकिन यह बिल्कुल वह नहीं है जो मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही एक अच्छा विचार है, मैं निश्चित रूप से फेंट टिप पेन से इतनी खूबसूरती से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, लेकिन गम और स्पार्कल्स की मदद से मैं वास्तव में कुछ सुंदर बना सकती हूँ। क्या एक छोटा सा क्राफ्ट, छोटा लेकिन बहुत सुंदर, ये अच्छा है। और वहाँ और लोग क्या कर रहे हैं? मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ, बस एक सिंपल ड्राइंग बना रही हूँ। अब तक ये बहुत अच्छा निकला और ठीक वैसी जैसे मैंने योजना बनाई थी। अरे ये सब कागज कहाँ से आ रहे हैं? विवियन क्या हुआ, मुझे तंग मत करो, मैं एक रचनात्मक संकट में हूँ, मैं कुछ भी नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ और मैं अब नहीं जानती कि क्या करना है, लेकिन मुझे वास्तव में बैलून चाहिए। बिल्कुल बैलून, अगर मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकती तो मुझे बस अपना फुला देना होगा। मुझे नहीं लगता कि जैक मेरे काम और एक असली गुब्बारे के बीच अंतर को नोटिस भी करेगा। केवल चित्र को पूरा करने के लिए अब डॉट्स बनाना बाकी है। मेरा ये प्रतियोगिता जीतने का सपना इस गुब्बारे की तरह फट गया। बुरी किस्मत तुम हार गई। लेकिन मुझे जूलिया के साथ क्या करना चाहिए, वो भी अभी भी जीत सकती है। बिल्कुल विवियन की तरह इसके काम को भी फोड़ना होगा। समय समाप्त हो गया, चित्र दिखा, लेकिन मुझे काम करना होगा इस तरह। अरे ओ नहीं, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। विवियन तुम्हारा दूसरा काम ठीक नहीं है, यह सिर्फ भयानक है। एमा को देखो, उसका ड्राइंग बहुत सुंदर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके ड्राइंग असली जैसे दिखते हैं। हाँ जूलिया का भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सुंदर ताज था, लेकिन यह बैलून बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी विजेता है एमा। बधाई हो। अरे मैं वास्तव में यह गुब्बारा चाहती थी, बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ही बड़ा। मेरी मदद करो, यह गुब्बारा मुझे ले जा रहा है, रुको दूर मत उड़ो। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, हमें उसके बिना ही खेलना होगा। यह कितना डरावना है, इतना ऊंचा, लेकिन ये बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी प्रजातियाँ कभी नहीं देखी है। अरे अरे नहीं, 5 मिनट फ्लाइट नॉर्मल है। क्या आप इस कूल कॉटन कैंडी को एक प्यारे मिनियन के आकार में आजमाना चाहेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। बिल्कुल। फिर अपने ब्रश लो और ड्राइंग शुरू करो, आपके पास ज्यादा समय नहीं है।
और ये पहले ही शुरू हो चुका है। मैं क्या करूं, ड्राइंग के लिए कौन सा रंग चुनूं? बाकी लोग आधा ड्राइंग बना भी चुके हैं और मैंने शुरू भी नहीं किया है। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। पीले रंग की क्या जरूरत है जब मैं कुछ स्वादिष्ट के साथ पेंट कर सकती हूँ। मुझे यही चाहिए था। चीनी कैरामेल बन जाएगा और वो पीला होता है। बस एकदम सही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कैरामेल पीला निकलेगा? बेशक, मुझे यकीन है। ओ नहीं नहीं, ये भूरे रंग की गंदगी में बदल गया है। मैंने कहा था, अब मेरे लिए मुख्य बात यह है कि जूलिया की तरह बेतुके ढंग से ड्राइंग को खराब ना करना। लेकिन अपनी ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? कॉटन बनाने के लिए बैंडेज से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग बना पाऊंगी। जैक को पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल नहीं है और वो इसे खाने की कोशिश भी कर सकता है। आखिरकार मेरे पास एक अच्छी ड्राइंग है। मुझे लग रहा था कि मैं ड्राइंग ही नहीं कर सकती। अब मैं ही विजेता होऊंगी। अगर ये एमा मेरे लिए सब कुछ बकवास नहीं करती है तो उसकी ड्राइंग भी उतनी खराब नहीं है। क्या करूं? बिल्कुल, बस एमा की ड्राइंग को बर्बाद करना है। लाल मिर्च इसमें मेरी मदद करेगी। लड़कियों, वहाँ आग लगी है, भागो! तुमने क्या किया? तुमने यह मिर्च क्यों खाया? क्या तुमने यह जानबूझकर किया? मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे माफ कर दो। अब जीत निश्चित रूप से मेरी है। तुम लोग कैसे उधर जिंदा हो? तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अपने काम दिखाओ। जूलिया, यह क्या बकवास है? नहीं, अच्छा नहीं है। ये बकवास नहीं है, ये एक मीठा कैरामेल है। मुझे परवाह नहीं। एमा, तुम्हारी ड्राइंग को क्या हुआ? वो अंगारों में क्यों ढका हुआ है? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब उसकी गलती है। मुझे परवाह नहीं है, तुम लोगों के पास इतने गंदे ड्राइंग्स क्यों हैं? विवियन के पास कुछ बेकार ड्राइंग है, मैं यह सह नहीं सकता। तुम लोगों को पेंट करना नहीं आता तो मैं ही ये खा लेता हूँ बस। अरे नहीं, ये हमारी ट्रीट है। क्या कर रहे हो आप? रापापा पर और भी बेहतरीन चुनौतियाँ पा सकते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलेंगे दोस्तों।